गुड मॉर्निंग गाइस, 8th of October। नवरात्रि का सेकेंड डे है। टमाटर अपडेट, बाकी दिख नहीं रहा है, सिर्फ एक ही दिख रहा है। आज नाश्ता बिल्कुल जल्दी बन गया क्योंकि रात की बची हुई रोटी थी और मैंने इसका टैको बनाया है। थोड़ा टहलने जा रहे हैं। इसको मैं करी बनाने वाली थी बट मेरे पास आज बिल्कुल टाइम नहीं है तो हम इसको बस फ्राई करके खा रहे हैं। समझी वो अभी क्या बोला इंटरव्यू में? मोस्टली ये जब सत्या नडेला गया सीईओ का इंटरव्यू दे रहा था माइक्रोसॉफ्ट में, तो उनसे पूछा गया कि अगर आप मतलब कहीं जा रहे हो और रास्ते में आपने देखा कि कोई बच्चा फर्स्ट फ्लोर से गिर गया तो आप क्या करोगे, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? तो कह रहा है कि मैं क्या करूँगा, मैं जाके 911 को फ़ोन करूँगा। तो जो इंटरव्यू ले रहा था उसने मुझे उठा के बाहर ले गया और मतलब सी ऑफ किया और कहा कि कुछ एम्पथी दिखाओ उस बच्चे के, क्योंकि जब एक बच्चा गिरता है तो आप पहले उसको उठाते हो और उसको हग करते हो, उसके बाद आप सोचते हो कि आपको 911 कॉल करना है। तो मतलब इसका फंडा ये था, ये बोलने की पॉइंट ये था यहाँ पे कि आप सोचोगे कि टेक्नोलॉजी से क्या कनेक्शन है इसका, लेकिन इसका बहुत कनेक्शन है क्योंकि जब जो टेक्नोलॉजी आप बना रहे हो वो आप लोगों के लिए बना रहे हो और जब लोगों के लिए आपके पास एम्पैथी नहीं है आपके माइंड में तो आप उनके लिए वो उस लेवल का प्रोडक्ट नहीं बना पाओगे जो उनकी लाइफ चेंज करेगा या बेटर करेगा। सो दैट्स हाउ इट्स कनेक्टेड। सो जस्ट हायरिंग समबडी बिकॉज ही गॉट्स टॉप डिग्रीज इन एनी फील्ड, इट इज़ नॉट, बोलते हैं ना, इट्स नॉट एनफ। सो यू आर सपोज टू लुक ऑल दिस थिंग्स ऑल्सो। इसीलिए हम लोग इंटीलेयर में जो हायरिंग कर रहे हैं और मैंने एचआर टीम को वही बोला कि जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन टेक्निकल टेस्ट। सब लोग दे रहे हैं टेस्ट, सब या परफॉर्म कर रहे हैं सब ना, मोस्टली फर्स्ट क्राइटेरिया वही, पहले उसके रिजल्ट आते हैं देन वी प्रोसीड विद फर्दर थिंग्स। मतलब लोग उस पे टाइम दे रहे हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। मतलब कोई अगर पेशेंट से बैठ के वो सारे क्वेश्चंस कर रहा है दैट इज आल्सो वन इम्पोर्टेंट। ऑब्वियसली दैट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट। वो कितना सीरियस है उससे समझ में। या एग्जैक्टली राइट, अगर उसको इग्नोर करेगा तो उससे समझ में आएगा इम्पेशेंट है या उसको उस जॉब के लिए सीरियस नहीं है काइंड ऑफ। अच्छी बात है। आज का मेजर पार्ट ऑफ द डे मैंने डिस्कशन किया पेट्स के बारे में। मैं आपको क्या बताऊँ, आज मैं एक जगह गई थी जहाँ पे मेरे को एक पेट से एनकाउंटर हुआ, मैं बहुत डर गई थी। तो बहुत ज़्यादा, मैं जब 8-10 साल की थी तब मैंने पेट रखा था अपने साथ और मैं वो फीलिंग भी भूल गई हूँ कि हाउ इट फील्स टू कीप ए पेट। तो शायद वो जो इतना लंबा गैप हो गया है और लाइक सडनली जहाँ पे मैं गई वहाँ पे एक पेट डॉग था, तो मेरे को इतना मैं डर गई थी आपको मैं क्या बताऊँ। एंड दैट डॉग कुड फील दैट, वो बार बार मेरे को आके परेशान कर रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई क्या बताऊँ आपको। एंड देन आई हैड अ वेरी इंटरैक्टिव सेशन विद वन ऑफ माई फ्रेंड हु इज़ अ पेट लवर एंड शी हैज़ 4 dogs। Yes, 4 dogs. So you can imagine, I was just trying to understand like the pet ka jo hai na, aapka emotion jo rehta hai, and to understand a pet. And log bolte hai ki bhai pet lovers aise hi nahi, wo natural ek hota hai har kisi mein jo animal lovers hote hai, jo pet lovers hote hai. So I was trying to understand their way of थिंकिंग, लाइक मैं जानना चाहती थी जो पेट लवर होता है उनका थॉट्स कैसे काम करता है और जो एनिमल्स होते हैं, जो एनिमल्स बहुत इंटरैक्टिव होते हैं, कुछ लोगों को देख के हाइपर हो जाते हैं, तो वो क्यों होते हैं, मतलब कहाँ वो उनको वो सेंस फील होता है।
कि कुछ है या कोई सामने वाला डर रहा है, तब पेट्स को प्रॉब्लम होती है, वो भौंकने लग जाते हैं या वो दे कुड सेंस इट राइट. सो बट इट वॉज रियली अ वेरी इंसाइटफुल सेशन जो मैंने किया और मुझे बहुत अच्छा लगा. मैं बना रही हूँ मैक्रोनी पास्ता, वाइट सॉस ट्राई कर रही हूँ. फ्रॉम लास्ट वन वीक मैंने ये सिसमी ऑयल यूज़ करना स्टार्ट किया है फॉर पास्ता, फॉर स्टीर फ्राइज आई एम यूजिंग दिस ऑयल. तो सीड ऑयल है तो यू शुड यूज इन लेस क्वान्टिटी. बन गया वाइट सॉस पास्ता. Hey guys, so I have prepared a sauce with soy sauce, vinegar, honey, fried onions, green chili and garlic. अब मैं इसको जो फ्राइड चिकन है उसके ऊपर डालने जाऊंगी. आप अगर हनी गार्लिक चिकन बनाना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल. तो आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं. अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.